हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैन अ कॉमन मैन बी अ पार्ट ऑफ कल की सेना। आज मेरे वीडियो का टॉपिक यही है, लेकिन इस वीडियो के टॉपिक को आप लोगों को समझाने के लिए और आप लोग इसे अच्छी तरह समझ सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि पूरा वीडियो अंत तक आप ज़रूर देखें, फिर अपने विचार आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से बताएं। एक कॉमन पर्सन कल की सेना में कैसे एंट्री पा सकता है, और वो ऐसा इंसान जो कि भगवान में विश्वास नहीं करेगा, यानी सिर्फ अपने कर्मों पर विश्वास करेगा। कल की अवतार की जो सेना रहेगी, जिसका नाम कल की सेना है, उस सेना में जो लोग रहेंगे वो कुछ ऐसे लोग भी रहेंगे जो स्थूल रूप से लड़ाई लड़ेंगे, जो ऐसे लोग भी हैं कुछ लोग रहेंगे जो कि सूक्ष्म रूप से लड़ाई लड़ेंगे। यानी दो तरीके से कल की सेना कलयुग के वॉर को अंजाम तक पहुंचाएगी, पहली बात। दूसरी बात, इस युग में आपने नोटिस किया होगा अपने जीवन में कि कुछ लोग बहुत आस्तिक होते हैं एक प्रकार, यानी वो अपने दैनिक जीवन में सभी कार्यों को करते हुए भगवान का नाम लेना नहीं भूलते और भगवान की भक्ति में अपना जीवन लगाते हैं, पहला। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो लोग ढोंग करते हैं, यानी भगवान के नाम पर धोखा, प्रपंच, झूठ, छल और दिखावा। दान ले लेते हैं भगवान के नाम पर, लेकिन उसे अपने लिए यूज़ कर लेते हैं, दान पेटी से चोरी कर लेते हैं, ये लेकिन दिखाते हैं कि वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। यानी उनके कर्म तो गलत, लेकिन भगवान की भक्ति में वो लीन है, ऐसा लोगों को दिखाते हैं, ये सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी, जिनके बारे में आज मैं अपना वीडियो दे रही हूँ, ऐसे लोग होते हैं जो अपने कर्मों को विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ अंत तक करते हैं अपने जीवन में, लेकिन उन्हें भगवान पर ज़रा भी विश्वास नहीं होता है, यानी ईश्वरीय ताकत पर उन्हें कभी भी यकीन ही नहीं होता। वो ईश्वर के अस्तित्व पर हमेशा ही सवाल खड़े करते हैं कि भगवान नाम की ताकत है तो कहाँ है, क्योंकि भगवान तो हमें दिखलाई पड़ते नहीं, तो विदाउट प्रूफ हम कैसे माने कि भगवान है। यानी भगवान के अस्तित्व को वो सिरे से खारिज कर देते हैं। तो क्या ऐसे लोग कल की अवतार के कल की सेना में पार्टिसिपेट करेंगे? क्या कल की अवतार उनसे कल की सेना में आने के लिए उनको आमंत्रण देंगे, और ये आमंत्रण कल की अवतार का ऐसे लोगों के लिए किस रूप में होगा? अगर ऐसे लोग लड़ेंगे तो क्यों लड़ेंगे, रीज़न क्या है? सबसे पहला आंसर, जी हाँ, अगर एक कॉमन पर्सन जो कि अपने कर्मों को सही तरीके से अंजाम तक पहुंचा रहा है, ईमानदारी के रास्ते पर चल रहा है, सत्य के रास्ते पर चल रहा है, धर्म के रास्ते पर चल रहा है, भले ही वो भगवान से जुड़ा हो न हुआ ना हो, भले ही वो भगवान की पेटी में 100 रुपये का दान ना करता हो, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर किसी की भी मदद करने को वह तैयार रहता है और हमेशा अपने कर्मों को सही तरीके से करता है, आलसीपूर्ण जीवन नहीं व्यतीत करता है, और अपने एम ऑफ लाइफ पर वो हमेशा 100% फोकस्ड रहता है। ऐसे लोगों की तरफ कल की अवतार का रुझान डेफिनेटली होगा। कारण क्या है? कारण ये है कि कल की अवतार भी अपनी सेना में उन लोगों को स्थूल रूप से लड़ने के लिए इनवाइट करेंगे जिनका कि जीवन एक सत्य के रास्ते पर, और अच्छे नेक दिल जो इंसान होंगे ऐसे रास्ते पर जो चल रहे होंगे, उन्हीं को वो अपने कल की अवतार कल की सेना में रखेंगे और उनसे कलयुग की लड़ाई भी करवाएंगे। कारण क्या है? कल की अवतार को विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए, सद्बुद्धि वाले, सच्चरित्र वाले इंसान अपनी कल की सेना के लिए उन्हें ज़रूरत है। कलयुग के अंत तक जितने गंदे लोग हैं, गंदी हरकत करने वाले लोग हैं, या दूसरों को धोखा देने वाले लोग हैं, दूसरों को हर्ट करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का खात्मा होना ही चाहिए और होगा भी, लेकिन
अपनी बुद्धि के प्रयोग से अहंकार रहित जो इंसान दूसरों की मदद स्वार्थ रहित होकर करता है और अपनी विवेक और बुद्धि के बल पर अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करता है बहादुरी के साथ, ऐसे बहादुर लोगों की ज़रूरत कल की अवतार को कलयुग की लड़ाई लड़ने के लिए पड़ेगी। क्योंकि जो इंसान अपनी बुद्धि से अपना रास्ता खुद तय करता है, सिर्फ भगवान के भरोसे बैठा हुआ नहीं रहता है, जिसे पता है कि उसका एम लाइफ का क्या है और उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए भले ही कितनी कठिनाइयां क्यों ना आए, अपनी विवेक और अपनी बुद्धि के पल पर वो सोल्यूशन ढूंढ लेता है, हाथ जोड़कर सिर्फ भगवान के सामने गुहार नहीं लगाता है। ऐसे लोगों की खोज, भले वो भगवान के अस्तित्व को नहीं भी मानता हो, दिनचर्या में भक्ति उसकी शामिल नहीं हो, भगवान के भजन नहीं गाता हो, मंदिर भी नहीं जाता हो और उपवास भी नहीं रखता हो, भगवान के नाम पर दान भी नहीं करता हो, लेकिन वो चूंकि सच चरित्र वाला इंसान है, सद्बुद्धि वाला इंसान है, अहंकार रहित इंसान है और स्वार्थ रहित इंसान है, दूसरों की मदद करने वाला इंसान है, कठिनाइयों से घबराने वाला इंसान नहीं है और अपनी बुद्धि के बल पर अपनी जीवन यात्रा को तय कर रहा है, तो ऐसे इंसान की खोज कल की अवतार को है। और ऐसे लोग जो भले ही भगवान से ना जुड़े दिखावा करने के लिए या ना दिखावा करने के लिए, यानी जो नास्तिक भी होंगे तो भी वो कल की सेना में डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे, जाएंगे, क्योंकि कल के अवतार को मजबूत इंसान की ज़रूरत है जो अपनी विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे कलयुग की लड़ाई को जीतने के लिए। तो कलयुग की लड़ाई भयानक युद्ध स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप दोनों रूप से होने वाली है और ऐसे लोग जो एक बिल्कुल साधारण इंसान रहेंगे, यानी जिनका कोई बहुत फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं रहेगा, जिनके पास पावर और पोजीशन भी नहीं रहेगी, बहुत पैसा रुपया भी नहीं रहेगा, लेकिन मेहनती इंसान होंगे, कुशल इंसान होंगे, कुशल बुद्धि वाले, तीव्र बुद्धि वाले इंसान होंगे, ऐसे मजबूत इंसान, बहादुर इंसान को कल की सेना में अवश्य ही स्थूल रूप से एडमिशन मिलेगा और वो कल की अवतार उससे कलयुग की लड़ाई को लड़वाएंगे और सतयुग की स्थापना में भी ऐसे इंसान अपना सहयोग प्रदान करेंगे। तो डेफिनेटली कैन अ कॉमन मैन बी अ पार्ट ऑफ कल की सेना? यस, ही और शी कैन बी अ पार्ट ऑफ कल की सेना, दो शी और ही विल नॉट बिलीव इन कल की अवतार और दो ही और शी विल नॉट बिलीव इन God, but definitely he or she will be a part of Kalki Sena. Thank you very much for watching my video. अपने comments जरूर लिखकर भेजिएगा. Thank you very much once again.